अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जिया अली। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ ईद कलेक्शन के हवाले से मैं आपको meram.B मॉल का विज़िट कराऊंगी। मैं अपनी ईद की शॉपिंग के लिए यहाँ जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि यहाँ पर किस तरह की वैरायटी है। तो देखिए, ये meram.B मॉल है। यहाँ की मैंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी कि यहाँ पर बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं, बहुत इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और जब मैंने ख़ुद वहाँ जाकर विज़िट किया तो मैं ख़ुद बहुत इम्प्रेस हुई। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कपड़ों की वैरायटी थी और यहाँ के जो ड्रेसेस थे 2500 से लेकर, इसके अलावा मुख्तलिफ रेंज में थे। ये ब्लैक सूट इनका था, 3800 की रेंज में था। और इसके अलावा जो है, यहाँ पे जो मैंने देखी ड्रेसेस पर कढ़ाई थी, बहुत ज़्यादा नीट थी। मुख्तलिफ तरह के कुछ लीलन में थे, कुछ लॉन पर थी, कुछ नेट पर और कुछ शेफोन कपड़े पर कढ़ाइयाँ थी, और किसी पर पर्ल का काम हुआ था। बहुत नाइस ड्रेसेस थे। मैक्सिमम मैंने देखा कि जो स्टिचेस सूट होते हैं 3 पीस, उनमें से किसी एक चीज़ का कपड़ा जो है वो सही नहीं होता, कमीज सलवार या दुपट्टे में से। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि सूट बेशक थोड़े एक्सपेंसिव थे, लेकिन इनकी जो कपड़ा था वो बहुत ज़बरदस्त था, और स्पेशली इनकी जो कढ़ाई थी वो बहुत ज़्यादा नीट थी। और इसके अलावा यहाँ पर जस्ट शर्ट भी थी। शर्ट जो है इन्होंने सेल लगाई हुई थी, 350 की शर्ट थी, और ट्राउज़र और दुपट्टा जो है वो अलग से आप परचेज़ करना था आपने। और इसके अलावा बेबी ड्रेसेस की भी इन्होंने सेल लगाई हुई थी, वो भी जस्ट शर्टें थी। शर्ट जो है वो 500 से स्टार्ट थी इनकी, और बेबी शर्ट्स भी इनकी बहुत नाइस थी, इनकी कढ़ाई बहुत नाइस थी जो मुझे पसंद आई, कपड़ा बहुत अच्छा था उनका। और मैंने अपने लिए यहाँ से जो ड्रेस सेलेक्ट किया वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अभी आप यहाँ पर देखिए, इनके ड्रेसेस मुख्तलिफ कलर्स थे यहाँ पर, और तमाम कलर और कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त थे इनके। और इनके जो स्टॉक में डमी के अलावा इनके जो स्टॉक में पड़े हुए थे कपड़े, वो भी बहुत ज़बरदस्त उनकी कढ़ाइयाँ और उनका जो है कम्बिनेशन था। मुझे यहाँ आकर तमाम ड्रेसेस ही बहुत पसंद आए। और इसके अलावा यहाँ पर ये एक वाइट कलर का सूट था, गरारे के साथ था, वो भी मुझे बहुत नाइस लगा था, बहुत पसंद आया था। पहले अपने लिए मैं वो सिलेक्ट करने लगी, लेकिन फिर मुझे यहाँ पर एक ब्लैक कलर का ड्रेस पसंद आया, मैं आपको आके दिखाती हूँ। वो मुझे बहुत नाइस लगा। वो ड्रेस था 3900 की रेंज में। और इसके अलावा ये कह रहे थे कि कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जिनकी प्राइस जो है वो फिक्स है, और कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जिनमें हम कंसेशन कर सकते हैं, अगर आप लेना चाहें तो हम कंसेशन कर देंगे। तो देखिए तमाम ड्रेसेस ही कितने खूबसूरत हैं। यहाँ ये एक ड्रेस था ब्लैक कलर का, पर्ल का काम था इसके ऊपर, नेट का सूट था ये। ये भी मुझे बहुत पसंद आया था ये सूट। और ये सूट जो था ये 3700 की रेंज में था। इसके अलावा भी बाकी ड्रेसेस थे, वो भी बहुत खूबसूरत थे। तो देखिए ये यहाँ पर ब्राइडल ड्रेसेस भी थे और पार्टी वेयर भी थे यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ज़्यादा इन लोगों के पास वैरायटी थी। ये वाइट कलर में एक ड्रेस था और इसकी कढ़ाई बहुत नफीस थी, येलो गरारे के साथ था ये, 3700 की रेंज में था ये। और ये ब्लैक कलर का सूट जो मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने ये अपने लिए सेलेक्ट किया, 3900 की रेंज में, ये नेट पर था, बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे ये सूट जो मैंने सेलेक्ट किया।